बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन उदयपुर लोकसभा सीट से बीजेपी का मैदान में उतरने से कांग्रेस व बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई। यहां मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। यहां दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। आदिवासी वोट बैंक साधने के लिए दोनों पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है, लेकिन यहां की भारत आदिवासी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में खड़ी है। उदयपुर लोकसभा सीट को लेकर फलोदी सट्टा बाजार की बात करें तो फलोदी सट्टा बाजार ने यहां बीजेपी व कांग्रेस के ही भाव जारी किए थे, लेकिन अब उदयपुर लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के भी भाव जारी किए हैं। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि उदयपुर लोकसभा सीट पर सट्टा बाजार की क्या रेट चल रही है, कौन से कैंडिडेट्स को कितने भाव मिल रहे हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में। इस बार विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने राजस्थान में 3 सीटें जीती। किसी भी सट्टा बाजार में भारत आदिवासी पार्टी के किसी उम्मीदवार का नाम नहीं था, वैसा लोकसभा चुनाव में भी हो रहा है। भारत आदिवासी पार्टी की प्रतिक्रिया, सट्टा बाजार के भाव देखना सटोरियों का काम है, उम्मीदवार की जीत हार जनता तय करती है अपने मत का प्रयोग करके, जबकि सट्टा बाजार नहीं, सट्टा बाजार सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करती है और अपनी रोटियां सेकती है। उदयपुर लोकसभा सीट पर सट्टे बाजार की क्या रेट है, किस उम्मीदवार को कितनी रेट मिल रही है, किसका पलड़ा भारी। उदयपुर लोकसभा सीट बीजेपी उम्मीदवार मन्ना लाल रावत को 60 से 70 पैसे रेट मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद मीणा को 1 रुपए 75 पैसे रेट मिल रहा है। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के प्रकाश चंद बूज को 2 रुपए रेट मिल रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार मन्ना लाल रावत को 60 से 70 पैसे रेट मिल रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार जिसके भाव कम होते हैं वह जीत के करीब होता है। उदयपुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में फलोदी सट्टा बाजार ने सबसे कम भाव बीजेपी के मन्ना लाल रावत को दिए हैं। उसके बाद कांग्रेस को 1 रुपए 75 पैसे रेट दिया है और सबसे ज्यादा रेट बीजेपी भारत आदिवासी पार्टी के प्रकाश चंद बुज को दिए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार प्रकाश चंद बुज का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी यहां पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस व भारत आदिवासी पार्टी के बीच टक्कर बताई जा रही है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत को 1 रुपए 15 पैसे रेट दिया है, जबकि बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 80 से 90 पैसे रेट दिया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के साथ भारत आदिवासी पार्टी का पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है, जबकि फलोदी सट्टा बाजार में महेंद्रजीत सिंह मालवीय का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। बांसवाड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार राजकुमार रोत का जीतना तय है। फलोदी सट्टा बाजार के भाव महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जिता रहे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट व उदयपुर लोकसभा सीट पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके अनुसार कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें।